हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों ये है अमेरिकन कॉकरोच जो कि साइज में 2-3 इंच तक होते हैं, और ये है जर्मन कॉकरोच जो कि साइज में 1 इंच तक हो सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये जो छोटे वाले जर्मन कॉकरोच हैं यही कॉकरोच इनके बच्चे हैं, और बड़े हो गए ये बड़े कॉकरोच बन जाते हैं जो कि अमेरिकन कॉकरोच होते हैं। गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों स्पीसीज अलग अलग होती हैं और इनको ट्रीटमेंट करने का केमिकल भी अलग अलग होता है। अगर आप सेम केमिकल से इन पे स्प्रे करेंगे ये ऑन द स्पॉट मर तो जाएंगे, लेकिन आपको वो मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा जिसके लिए आपने केमिकल खरीदा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा केमिकल किसके लिए यूज करना चाहिए अगर आप इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे कि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों किसी भी कॉकरोच का ट्रीटमेंट करने से पहले आप पहले ये आइडेंटिफाई कर लें कि वो कॉकरोच है कौन से, जर्मन कॉकरोच हैं या अमेरिकन कॉकरोच हैं। अमेरिकन कॉकरोच मोस्टली आपको आपके घर के अंदर जो ड्रेन्स होते हैं उससे निकलते हुए मिलेंगे, और उसके आसपास के एरिया में मिलेंगे या कूड़े करकट जो पड़ा होता है वहां मिलेंगे। ये बेसिकली इन जगहों पर ही ग्रो करते हैं, और वो उल्टे सीधे जो ऑर्गेनिक पदार्थ पड़े होते हैं नालियों के अंदर और ड्रेन्स के अंदर उन्हीं को खाकर ये बड़े होते हैं, और मोस्टली ये सीवर लाइन से ही ऊपर तक आते हैं। अगर आप इनसे परेशान हैं तो इसके लिए जो सबसे अच्छा पेस्टिसाइड है वो है ट्रांसपोर्टेक्स, जिसे FMC कंपनी बनाती है। इसको 20 से 25 ml 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करना है अपने ड्रेन्स के अंदर, सीवर लाइन के अंदर, और जहां भी कूड़ा कबाड़ पड़ा होता है जहां भी आपको नजर आ रहे हैं उन जगहों पर अच्छी तरीके से इसका स्प्रे कर दें। इसको ये ऑन द स्पॉट मार देता है। मार्केट में और भी बहुत सारे पेस्टिसाइड मिलते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट इसलिए है कि इसका रिजल्ट बहुत ही फास्ट है। कुछ ही सेकंड के अंदर ये कॉकरोच को खत्म कर देता है और भागने का मौका भी बिल्कुल नहीं देता है, इसलिए ये सबसे बेस्ट है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं ये आपको अमेजोन से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है, वहां से जाके इसको आप परचेस कर सकते हैं। दूसरा, साथ ही आपको एक काम और करना है कि जिन ड्रेन से ये कॉकरोच निकलते हैं वहां पर आप इस तरह की जाली लगा दें और उसको व्हाइट सीमेंट से सील कर दें, जिससे कि बार बार ये जाली खुले ना और नीचे से कॉकरोच दोबारा ना आए। और महीने में एक बार इस पेस्टिसाइड का स्प्रे अपने ड्रेन्स के अंदर और आसपास के एरिया में जरूर करें। और एक बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी इस पेस्टिसाइड को अपने घर के अंदर यूज करें मास्क और ग्लव्स जरूर लगाएं, और 1-1.5 घंटे तक उस एरिया में बिल्कुल भी ना जाएं। अगर आपके घर के अंदर जर्मन कॉकरोच हैं, और जर्मन कॉकरोच मोस्टली मिलते हैं आपको ऐसी जगहों पर जहां पर फूड पार्टिकल पड़े होते हैं या खाना स्टोर होता है, जैसे कि आपका किचन हो गया या ऐसी जगहें जहां पर आप खाना बैठकर खाते हैं, ऐसी जगहों पर जर्मन कॉकरोच आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। अगर आप जर्मन कॉकरोच से परेशान हैं और हीट का स्प्रे या बेगोन का स्प्रे कर करके आप परेशान हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं उससे ऑन द स्पॉट रिजल्ट तो मिल जाता है, लेकिन हीट या कोई भी स्प्रे उनको जड़ से खत्म नहीं कर सकता। इवन ट्रांसपोर्टेक्स भी उसको जड़ से खत्म नहीं कर सकता। इनके लिए जो सबसे अच्छा पेस्टिसाइड है वो है फिप्रोनिल जेल। अगर आप फिप्रोनिल जेल लगा दें तो यह कॉकरोच को जड़ से खत्म कर देगा, और फिप्रोनिल जेल बायर कंपनी मैक्स फोर्स फोर्ट के नाम से बनाती है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है, और आप जो है अमेजोन से जाके इसको खरीद सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव है गाइज। 30 ग्राम की जो ट्यूब है इसकी वो 600-700 रुपए की आती है, और अगर 2 BHK घर है आपका तो मिनिमम 2 ट्यूब आपको चाहिए ही चाहिए, और हर 3-3 महीने पर आपको इसको रिपीट करना है। इससे बेस्ट है ये हमारा फिप्रोनिल जेल जिसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। ये 100 ग्राम की ट्यूब है, यानी आपके 2 से 3 BHK घर के अंदर ये ट्यूब आराम से काम करेगी, और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 2 जेल का ऑर्डर देना पड़ेगा, और आप हमारे दिए नंबर पे कॉल करके अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं, और 4 से 5 दिन के अंदर हम आपको कोरियर कर देंगे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अब इस पेस्टिसाइड को लगाना कैसे, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जहां पर भी आपके घर के अंदर कॉकरोच हो रहे हो वहां पर 3 से 4 mm के छोटे छोटे डॉट आपको लगाने हैं, 1-1 फिट के डिस्टेंस से। कॉकरोच आएंगे, इसको खाएंगे, और खाने के बाद इसको अपनी कॉलोनी में लेकर चले जाते हैं जहां पर ये दूसरे कॉकरोच को इन्फेक्टेड कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी कॉलोनी 7 से 8 दिन के अंदर जड़ से खत्म हो जाती है। इसको डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं, यानी ये पेस्टिसाइड डोमिनो इफेक्ट पे काम करता है। और फिप्रोनिल की मात्रा हमने अपने जेल के अंदर थोड़ी एक्स्ट्रा रखी है, जिससे कि अगर आप इसको एक बार लगा दें तो तकरीबन 1 से 1.5 साल तक आपको अपने घर के अंदर एक भी कॉकरोच नजर नहीं आएगा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हाइजीन और साफ सफाई का।
इस जेल को लगाते टाइम आपको एक चीज की सावधानी रखनी है कि जहां पर भी आप इस जेल को यूज कर रहे हो उस जगह पर पिछले एक हफ्ते के अंदर कोई और केमिकल का स्प्रे ना किया हो, जैसे कि हिट या बेगोन। और इस जेल को लगाने के बाद तो किसी और केमिकल का स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना कॉकरोच इस जेल को नहीं खाएंगे, और जब इस कॉकरोच इस जेल को नहीं खाएंगे तो जाहिर सी बात है मरेंगे भी नहीं। बस आपको ये सावधानी बरतनी है। मोस्टली जर्मन कॉकरोच हमें अपने किचन के अंदर मिलते हैं। अगर आप इस जेल को किचन के अंदर लगा रहे हैं तो किचन कैबिनेट के अंदर आप इसको ठीक तरीके से लगाएं, और जितने भी वॉल्स के अंदर क्रैक्स हैं या टाइल्स के बीच में क्रैक्स हैं वहाँ पर ठीक तरीके से लगा दीजिए। एक बार लगाने के बाद छोड़ दीजिए और 7-8 दिन में आपके कॉकरोच ये जड़ से ख़त्म कर देगा। इस जेल का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको अपने किचन से कोई भी सामान निकालने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल हैसल फ्री आप इसको आराम से अपने किचन के अंदर लगा सकते हैं। इसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं होती है, जिससे कि कोई भी सामान आपका ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं, और 4-5 दिन के अंदर हम आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर कोरियर कर देंगे दिल्ली से, ठीक है गाइस। और अगर आप इसको फिजिकली आके लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके आप आ सकते हैं, हम आपको अपने ऑफिस से भी प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता कोई दोस्त आपका परेशान हो और उसको इस जेल की जरूरत हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।